सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया तब इजीली इस तरीके का ट्रेंडिंग रील्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल या जो भी फोटोज़ या वीडियोज़ होता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो इसलिए लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द वीडियो। नहीं मिलेगा कोई मेरे जैसा, जाओ आजमा लो जमाना। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे एक XML मिलेगा, सिंपल से आपको XML को एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। एलाइट मोशन में इंपोर्ट कैसे करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ XML को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको XML को सीधा एलाइट मोशन में शेयर कर देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो इंपोर्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है, या फिर सिर्फ आपको एक बीट मार्क मिलेगा और लास्ट में एक रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल पर मैंने इफेक्ट ऑलरेडी ऐड किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है। और स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो लिरिक्स है आपको सुन लेना है। लिरिक्स जिस पॉइंट पे स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपका जो थॉट्स है या लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट के कॉर्नर पर क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है इस तरीके से आपको सेंटर पर एडजस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कलर पे जाना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है और साइज जितना है 18 PT 18 PT रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो थॉट्स है सुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड तो उस पॉइंट पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इफेक्ट्स में जाना है, एड इफेक्ट्स में जाना है, आपको टेक्स्ट स्पेसिंग आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ आपको 10% कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद बैक आना है, एड इफेक्ट पे जाना है, फेड इन फेड आउट सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। इन को 20 और आउट को 20 आपको कर लेना है, सिंपल से इन 20 आउट 20 कर लेना है, इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद सिंपल से प्लस पे क्लिक करके इसका डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में जाके रिमूव करके इस तरीके से आपको रिमूव करके आपको कोई भी इमोजी ऐड कर लेना है, ठीक है। कलर में जाना है, इसका कलर आपको सिंपल से इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर लेना है, राइट पे क्लिक कर देना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इस तरीके से आपको राइट साइड यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, इस जगह पे आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद दोनों इस तरीके से टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है और जिस पॉइंट पे सेकंड थॉट स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना है, ठीक है। उसके बाद थॉट सुन लेना है, जिस पॉइंट पे एंड था उस पॉइंट पे आ जाना है, लिरिक्स पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपको लेके आ जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, रिमूव करके जो थॉट्स है आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऊपर वाले जो लेयर है ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में आके रिमूव करके इमोजी चेंज कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से इमोजी चेंज कर लेना है। राइट पे क्लिक करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में ना इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल से आपको पेस्ट लेयर कर देना है। इस तरीके से आपको जिस पॉइंट पर आना है उस पॉइंट पर आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेके आ जाना है, सिर्फ फिर से पेस्ट लेयर करना है और आपको यहाँ पे जिस पॉइंट पर आना है उस पॉइंट पर आपको लेके आ जाना है, ठीक है। नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में आके रिमूव करके आपका जो थॉट्स है आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, एडिट टेक्स्ट में जाके रिमूव करके जो भी आपको इमोजी ऐड करना है आप सिंपल से कर सकते हैं। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी लिरिक्स को या थॉट्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर लेने के बाद आपको फर्स्ट बीट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है, ठीक है। ये वाला वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, ठीक है। वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, 9:30 या 9 सेकंड पे आ जाना है, इस तरीके से सिंपल से वीडियो को स्प्लिट कर देना है, ठीक है। स्प्लिट कर देने के बाद आपको क्या करना है, सॉन्ग का एंडिंग पॉइंट पे जाना है, वीडियो का बाकी पार्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद आपको लास्ट में जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद सिंपल से रेक्टेंगल को डिलीट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से डिलीट कर देना है। बिट मार्क पे आना है और अभी जो आपने वीडियो स्प्लिट किया है फर्स्ट पार्ट में, सिंपल से रेक्टेंगल का इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, आपको एक वीडियो ऐड करना है, ठीक है, पार्टिकल वाला एक वीडियो ऐड करना है, जो वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है आपको, यहाँ पे सिंपल से एक वीडियो ऐड करना है, ठीक है, इस तरीके से एक वीडियो ऐड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, बीट मार्क पे जाना है, वीडियो का बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद वीडियो को सिलेक्ट करना है, सभी टेक्स्ट के नीचे लेके जाना है, तब देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा ये स्टेटस कंप्लीट हो चुका है, जो ट्रेंडिंग रील्स है इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो वीडियो को सेव करने के लिए राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है, XML आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और आपको जो वीडियो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।